खाना नहीं, खाने खाना पीते खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं। पहले तो डिसाइड कर अंशु तेरे पास क्या नहीं है। नहीं अरे जो होता है कुछ नहीं है, ये कुत्ता भी उधर से उठा के लेके। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्यों आप सब तबीयत पानी सब ठीक है? और आज अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, रोज बजते हैं। और अभी मैं रूम में फिर से मस्ती कर रहे हैं, मम्मी अभी बिस्तर ठीक करके आए ना, उसका देखो क्या कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने और ये कपड़ा धोने के लिए, टी शर्ट भी धो दूंगा। मम्मी फिलहाल अपना लंच फर्स्ट बना रहे, लंच फर्स्ट। देखो मम्मी इधर फिश फ्राई कर रहे, साग बना रहे, ये चावल है कि नहीं पता नहीं, ये फल है कि पता नहीं, क्या है पता नहीं। गाइस अभी नहा के आ चुका हूँ, और अभी नाश्ता करूँगा। मम्मी ये क्या है, ये क्या उबाल रहे हो? पराठा किधर है? हॉटपॉट में रहेगा ना। तो हॉटपॉट को नीचे रखता है क्या? ओ मेथी का पराठा। तो गाइस आज मम्मी ने मेथी का पराठा बनाई है। क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, किस लिए बनाई है, कुछ नहीं बताने वाला है क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता। मम्मी सिर्फ मेथी का पराठा है उसके साथ? तेरा बड़ा बॉटल, तुझसे भी बड़ा कैसे लेके आया? अबे तुझसे भी बड़ा है वो, किधर लेके जा रहा है? अरे मुझे पीना था। अरे पागल ही है क्या तू? देखो गाइस खुद से भी बड़ा बॉटल लेके आया है। अबे 1.5 फुट 2 इंच का तो है तू, सिंगल बैटरी डबल बैटरी उठा के लाया है, चल दे। तो गाइस ये पानी की बॉटल नहीं, स्प्राइट ही है। अभी बोल रहा है साले क्यों लिया रे तूने मेरे से, बताता हूँ। क्या खा रहा है? अरे मिट्टी का पराठा खा रहा है, मेरे को भी देना। आज अभी एक मिंत्रा से पार्सल आया, इतनी ठंडी है इसलिए एक जैकेट मंगा ही लिए भैया जी। रोमियो को भी ठंडी लगी है। रोमियो तेरे लिए भी एक जैकेट मंगाऊं? तू तो 2 दिन भी नहीं टिकाएगा, फाड़ देगा। तो गाइस ये देखो ये अपना पैकेज है, ये कागज की है, बहुत अच्छी बात है। यूजुअली लोहे का मिलता है ना या स्टील का, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जो कागज का दिया है। और ये भी प्लास्टिक का दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये एक फर जैकेट है, फर। तो गाइस ये देखो ये रहा जैकेट, अच्छा यार, ऐसा लग रहा है बहुत ठंडी के इलाके में के लिए। तो गाइस ये रही वो जैकेट, मम्मी बताओ ना कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है ना? छोटा ही। इस जैकेट को पहन के थोड़ी तो गर्मी लगी रही है, थोड़ी सी छोटी लग रही है तो चेंज कर लेता हूँ। भैया जी अभी रोमियो को वॉक पे लेके आए हैं, आज थोड़ी ठंडी कम है, गुटखा नहीं चबा रहा हूँ, बैर खा रहा हूँ। फिर बोलोगे गुटखा खा रहा है सारा ये तो। गाइस आपको कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ, उसका ज्ञान शेयर करूँगा, लाइक सब्सक्राइब ठोक के करो। प्यार मोहब्बत वफादारी सबको मिलती है जिसने कुत्ता पाला हो, गजब का ज्ञान है ना? सच्ची में बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना किया भैया जी आपसे। भैया जी कभी मजाक नहीं करते। कौन भैया जी? रोमियो, वो मेरे आके कान में फूका, मैंने आपको ज़ोर से फूका। सही में आप लोग में से भी किसने पाला होगा तो ज़रूर पता होगा। ए तू मेरा सब्सक्राइबर है? नहीं है तो रोमियो इसको काट, इसका ये घी लेके आया है ना गोवर्धन का, प्रोमोशन करवा दिया तो इसको इसका घी कटवा दे, काट दे। बेचारे को कुछ समझा नहीं क्या बोल रहा है ये पागल इंसान है ना। पैकेट का घी भी आ गया, जैक भी आया, ए जैक भी आ गया, देख जैक तेरे को देख भाव भी नहीं दिया, लेकिन जैक कमीना निकला। आप लोग को जो मैंने ज्ञान दिया वो बेकार निकला। ये देखो ये हमारी साइकिल है, अच्छा? बहुत अच्छी साइकिल है, 3 करोड़ की खरीदी थी और मर्सिडीज की है ये, नहीं नहीं बुगा टेस्ला की है, अपने आप चलती भी है। तो ये इन मोहतरमाओं को आप जानते रहेंगे, इन मोहतरमा को आप जानते रहेंगे तो और ये अरे भैया जी भी आ गए। भैया जी कैसे हो, कैसन मानू बता की गल है, इधर क्यों आया? भैया जी कुछ बताना चाहेंगे आप आज ऐसे इधर कैसे आ गए? और तू साइकिल लेकर तो पहली बार आई है ना इधर? अच्छा दूसरी बार आई है, हाँ जा एक बार ये जब अच्छा पहली बार जब साइकिल लेके आ रही थी तब के तेरी बेइज्जती हो रही है इधर।
को गाइस मैं अमीर आदमी हूँ, दो कुत्ते हैं मेरे पास, देखो मेरा कैमरा नहीं मोबाइल है, खटारा साइकिल का चेन भी गिर गया, खटारी साइकिल खटारा मोबाइल नहीं है, पटेली का मैं तो मेरा यही काम है। तो ये हमारी इन लॉज है, मेरा मतलब ही हमारे बुक लॉज है, इन्होंने हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक लिखी थी शायद, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड। तो सो एक मिनट 420 428 का हमको वो बताओ, वो लॉज बताओ। 420 में 2 रुपए चोरी करो तो 3 महीने की जेल होती है, तो और 460 में चप्पल निकालो तो 6। देखिए चप्पल का हाल और पैर का हाल दोनों ही अलग दिखेंगे। मजदूर आदमी हूं, बेचारा मजदूरी कर रहा है, पीने के लिए खाना नहीं, पहले तो डिसाइड कर अंशु तेरे पास क्या नहीं है। अरे जो होता है कुछ नहीं है, ये डॉग कुत्ता भी उधर से उठा के लेके आया, अच्छा ये कपड़े भी उधर से भीख मांग के लेके आया था, कौन बोलते है खाने के लिए खाना लेके आए थे। तेरा भाई कौन है? यो साइकिल किधर गया? वैसे आराम देगा ये, तेरे को चश्मा कब लगा रे? अबे ट्यूशन को मार गोली, इसको चश्मा कब लगा? पर अबे सर दर्द का चश्मा, मैं व्लॉगिंग नहीं करती, मैं हूँ अबे मैं उसका व्लॉग पकड़ के खड़ी हूँ। ये देखिए ये हमारी खटारा साइकिल के साथ आया है, ये हमारा खटारा है बच्चा, इसके साइकिल में तो टायर में हवा भी नहीं जाती है। अबे कापूस का है, अरे वो देख वो बाइक कल खड़ी थी मैंने, इनसे पूछ ले, वो देख वो हिमालय मेरी है, वो भी भीख मांग के लाए हो, चाबी के लिए चाबी, चाबी नहीं, चाबी घर पे भूल के आओ। हो वेरी गुड सर, प्लीज ये अंशु हंस यहाँ पे। हाय कैसे हो आप लोग? हाँ सब जानते हैं। ओ भाई साहब मैंने गलती कर दी, मैंने कैमरा ही नहीं चालू किया है बटन, भगवान ठीक है अभी चालू करते हैं, वापस से रीटेक हो रहा है। नहीं रीटेक वीटेक नहीं, कल ही खरीदी थी, देखिए देखिए 12 करोड़ में मिली, 6 करोड़ की थी 12 करोड़ में मिली, 2 मिनट रुक मैं 10 मिनट में आता हूँ, घर पे जा रहा हूँ। आएगा ना पक्का, झूठ बोल के तो नहीं भागेगा, मोबाइल लेके जा रहा हूँ। तू मेरे को अमीर बोल रही है, तू कितनी अमीर है? तीन दिन बो पहनी है। अबे बो है वो। हाँ तो इसलिए तो बोला, बो नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, 3 पहनी है ना, हम लोग तो मैंने तो कभी 1 भी नहीं पहना है। अच्छा अच्छा, साइकिल में कितने टायर होते हैं? अगर 2 पहिए होंगे, अगर 4 पहिए होंगे 4 पहिए, उसमें 6 पहिए तो लग नहीं सकते, लग सकते हैं, आगे भी 2 लगा सकते हैं। जिसको लगा लेगा वो चला ही नहीं पाएगा। नहीं चला पाएगा, कैसे नहीं चला पाएगा? टर्निंग नहीं मार पाएगा, उसका टर्निंग नहीं होगा। हाँ तो सीधा सीधा चलाएगा, सीधा होगा हो, टर्निंग आता है। हाँ तो क्या हुआ, बच्चे लोग तो सीधा ही चलाते हैं। नहीं बच्चे लोग के लिए ना, ये देख ये रास्ता सीधा है, नहीं चला तो सकते है ना कोई तो चला सकता है, कौन सा कोई भी माइका ला लो चला तो सकता है ना। हाँ चला सकता है, अभी देख बिट्टू घुमाएगा अकेले अकेले, जा तू भी जा। और अंकल टैक्सी कितने में ली थी? तो तू टेंडर खेलो, चल तेरे को पहले डाइव। हाँ क्या, मैंने कभी खेला ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चल तेरे को सब मेरे को ना एक कोई भी अंकल के साथ प्रैंक करना और बोलना मुझे 500 किलो दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो गजब है यार, हार ले, ये गजब है। अंकल 2 मिनट का काम है उनको, अरे वो थोड़ी देर में चलेगा, जरूरी काम था थोड़ा। मेरा किडनी फेल हो गया। ले तेरे को। रोमियो को घुमाना पड़ेगा तेरे को। नहीं, मैं घुमा लूँगा। देर, और अगर नहीं घुमाए तो हम लोग तेरे को एक-एक चमार देंगे इधर जितने लोग हैं। अंशु पर मुझे डर लगता है। हाँ तो डेयर डेयर होता है, थोड़ा सा इधर से उधर तक 2 कदम में इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। नहीं मैं नहीं कर सकता। तो रोमियो को लिप किस कर, रोमियो को लिप किस कर। हाँ दो डेयर, तीसरा डेयर रोमियो का पूछू। मैं वो सब नहीं करने वाला, वो तेरी जिम्मेदारी है, जल्दी कर, तेरे पास 30 सेकंड का टाइम है। अरे वो ये चल 30 गिन। सस्ती चप्पल उसको पसंद नहीं है, डेयर या तो रोज। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। अरे बता तो क्या मिलेगा, ट्रूथ पूछेगी, ट्रूथ होना चाहिए।
हाँ कुछ भी बता पूछ पूछना रहता है चल अच्छा बताओ अच्छा तू अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब पे तू अपनी असली वीडियो ही डालता है ना या फिर तू उसको एडिटिंग करके डालता है या तो उसको क्रॉप कर देता है या तो फिर उसका कुछ मर्ज करता है उसको कुछ समझा नहीं मेरे को तू अपनी जो वीडियोस रहते हैं वो रियली रियल वीडियोस होते हैं ना कि तू उसके अंदर एडिटिंग करके डालता है यूट्यूब पूरे रियल वीडियोस रहते हैं देख एक घंटे के वीडियो बन जाते हैं कभी कभार तो उसमें से मैं चुनता हूँ अच्छे अच्छे सीन कौन से और उनमें से 10 मिनट के 15 मिनट मेरा एवरेज टाइम है उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ ओके तो आप सब फ्रेंड्स सुन ही रहे होंगे अगर जो सब्सक्राइबर सब सुन ही रहे होंगे तो ये रियल वीडियो है तो सब अंशु के व्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे अब मेरी बारी है 2017 में तूने 30 तारीख को जनवरी में क्या खाया था खाना रात को 2017 में नहीं बता पाएगी ऐसा वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ऐसे मजाक में पूछा तुम लोग मैं भी आ रहा हूँ ये उजाला लाए थे क्या तुम लोग ने क्या मालूम कौन सा उजाला अबे असलियत निकल रही है तुम लोग की साइकिल की तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं बहुत थक गया सो के आपसे बातें कर लेता हूँ नहीं ऐसे कर लेता हूँ अभी रोमियो को मैं वॉक से लेके आ चुका हूँ वॉक कम ये हमारी घूमने की ज़्यादा हो गई इतना घूमा रोमियो तो बहुत मज़ा किया रोमियो से ज़्यादा वो बच्चे लोगों ने किया रूट एंड डेयर खेले ये किए वो किया आपने ब्लॉग में देखा इसके पहले तो अभी फिलहाल सबसे पहले करूँगा लंच क्या लाए हो खाने में यार मच्छी फ्राई साग मच्छी का अरे ये साग नहीं खाता मैं खा अरे बाद में खा लूंगा ना रात को इधर आ अरे नहीं मन नहीं है इधर आ तुझे इससे तो अच्छा मैं यही नहीं खाता लंच ही नहीं खाता साग भी खिला देती है कभी कभी हाँ ये बातुआ साग ठंडी में ही मिलता है तो गर्मी में क्या होता है गर्मी में नहीं मिलता है तो मत मुझ लो वो है ना इस्त्री वाला दिवाली में जो कुर्ता पहना था वो दिया ड्राई क्लीन के लिए 2 महीने से बोलता है कल आओ देता ही नहीं है बोलता है गुम गया उसको बोलूंगा 10,000 का खरीदा था तो दिया बाद में मम्मी गई ना मम्मी भी गई थी बोलता शाम को आओ जब भी जाओ तो आज मैं शाम को जा रहा हूँ सुबह नहीं गया हाँ गाड़ी को ऊपर ही चढ़ गया था अच्छा हाँ मैंने भी ये ब्लॉग जो थंबनेल लगाया था तुमने गाड़ी के ऊपर कौन सा लड़का था क्या मालूम नीचे एक लड़का था तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ मम्मी का ये क्या लाइट खराबी है इधर लाइट ही नहीं है साले कंजूस लोग अच्छा लाइट भी नहीं लगाते कभी तो अभी दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ मम्मी का भी तबीयत ही खराब रहता है मेरा कुर्ता मिला मिल जाएगा नहीं अभी दो मेरा कुर्ता बहुत होगा कल ढूंढता हूँ क्या ऐसा तो ना चलता है ये वाला कैसा है देखो ये वाला ये तो नेवी ब्लू है मेरा ब्लू है लेडीज कुर्ता लेडीज कुर्ता है आदमी लोग का कुर्ता है मेरा मैं का लेडीज दिखता हूँ क्या ये तो वो बहुत तो मम्मी का भी लेकर आते हैं ना किसका हाँ तो मम्मी का लेके भी गया था फ्रिज में कुछ है क्या आए है लस्सी है ना लस्सी पीऊंगा ठंडी में मजा आ जाएगा अभी रात के 10 बज चुके और हम पी रहे हैं लस्सी अकेले पी रहा हूँ मैं पी रहा हूँ लस्सी गाइस अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं किधर बैठा हूँ कॉरिडोर में रोमियो के साथ रोमियो भी गाइस देखो इधर बैठा है इधर पोछा को देख रहा है नहीं उधर बच्चों को देख रहा है देखो गाइस निकलता भी नहीं है इधर से जा भी नहीं रहा बैठा है मेरे पास बुग्गू गाइस अभी रात के 1 बज रहे और ससुरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया एडिटिंग करते करते देखो गुस्सा आता है ऐसा होता है तो अभी इंपोर्ट करके अपलोड भी करना है रोमियो गाइस इधर सो चुका है देखो अच्छे से सो रहा है बेचारा और ठंड भी लग रही है तो अभी फटाक से फेस वॉश करूँगा मैं भी सो जाऊँगा और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में चलो बाय तो ये देखो गाइस मम्मी ने मेरे को चूना लगाया मम्मी बोली दूध पिएगी तो मैं दूध लेके आया ये तब तक सो गए अभी बोलते नहीं पियेंगे